साथियों, हिंदी भाषा के दो शब्द, पहला खोज और दूसरा आविष्कार, इन दोनों शब्दों में जो अंतर है वो ज्ञात न होने की दृष्टि में हमारे काफी साथी एवं विद्यार्थी गण एक ही अर्थ में इनका प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इन दोनों में मूलभूत अंतर है। देखिएगा कैसे प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से लिखें कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, इस प्रकार वाक्य बना लेते हैं। और इसी को इस तरह भी काफी साथी लोग लिखते हैं कि चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इस तरह से वाक्य बना लेते हैं और दोनों वाक्यों को लगभग सही समझा जाता है। अब देखिएगा इन दोनों में अंतर है, एक वाक्य अशुद्ध है और दूसरा वाक्य शुद्ध है, वो भी सिर्फ इन दोनों शब्दों के प्रयोग के आधार पर। तो देखिएगा यहां पर जो दूसरा वाक्य है, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, तो ये वाला वाक्य शुद्ध होगा, ये वाला अशुद्ध होगा, क्योंकि यहां पर खोज शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर खोज शब्द का प्रयोग नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, तो अब चलिए इनका अर्थ समझ लेते हैं कि खोज का क्या अर्थ होता है और आविष्कार का क्या अर्थ होता है। देखिए, जब किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, अर्थात एक नया एक जो स्थान है उसके बारे में पता कर लिया जाता है, तब उसके लिए खोज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोई नई वस्तु या नई जानकारी जिसके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाती है या कोई नई चीज बना ली जाती है, निर्माण कर लिया जाता है, तब उसके लिए हम आविष्कार का प्रयोग करते हैं। यहां पर आप देखेंगे चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, यह वाक्य अशुद्ध होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर खोज शब्द नहीं बल्कि आविष्कार शब्द आएगा। चेचक के टीका को एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एक नया उन्होंने क्या किया था, एक निर्माण किया था, इसलिए यहां पर आविष्कार शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, खोज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलिए इन दोनों में मूलभूत अंतर को समझने के लिए हम दो वाक्यों को पुनः लेते हैं। पहला वाक्य मैं लेता हूं यहां पर, व्यापार की दृष्टि से वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी। यहां पर हमने खोज शब्द का प्रयोग किए हैं, तो इस वाक्य में यह सही होगा। देखिए यहां पर वास्को द गामा ने व्यापार की दृष्टि से भारत की खोज की थी, हमने यहां पर खोज शब्द का प्रयोग किया है, जो कि प्रयोग की दृष्टि से सही है, क्योंकि वास्को द गामा ने, जो कि भारत एक स्थान विशेष है, ठीक है, इसकी क्या की था, उसने पता लगाया था, इसलिए हम यहां पर खोज का प्रयोग कर रहे हैं। यदि इस वाक्य में हम ऐसा कहें कि व्यापार की दृष्टि से वास्को द गामा ने भारत का आविष्कार किया था, तो ये गलत होगा, यहां पर आविष्कार नहीं आएगा। अब दूसरा वाक्य हम लेते हैं यहां पर, एक वर्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, तो यहां पर यह वाक्य भी सही है, यहां पर आविष्कार शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि एक नई चीज का निर्माण किया गया था, नई चीज बनाई गई थी किसी के द्वारा, तो उसके लिए हमने यहां पर आविष्कार शब्द का प्रयोग किए हैं। यदि इसमें बल्ब की खोज एडिसन ने की थी ऐसा कहे, तो यह वाक्य क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि वास्को द गामा ने भारत की जो खोज की थी, अर्थात व्यापार की दृष्टि से, वो 1498 में की थी,
और आपको ज्ञात होगा ये जो है 20 मई को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था अपना जहाजी बेड़ा लेकर के। ठीक है, तो इसी स्थान विशेष का पता लगाने के लिए हम खोज शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि कोई नई चीज का निर्माण करने जो कि पहले कभी ना बनाई गई हो, जिसका प्रयोग कभी ना किया गया हो, और जब पहली बार कोई व्यक्ति उसका निर्माण कर ले, ठीक है, उसको बना ले, उसके लिए हम आविष्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम आगे बात करें एडिसन की, तो एडिसन का पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, और उन्होंने 1879 में बल्ब का आविष्कार किया था। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने इन दोनों शब्दों में मूलभूत अंतर क्या है और किस प्रकार हमको प्रयोग करना चाहिए, इस संदर्भ में आपको जानकारी दी है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।